समय की बात है, एक गांव में एक किसान की फसल बार बार बर्बाद हो जाती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वो खेत पर बैठा हुआ था, तभी उसने देखा कि उसके खेत के पास ही एक सांप का बिल है। किसान सोचने लगा कि उसने कभी भी नाग देवता की पूजा नहीं की, शायद इसी वजह से हर बार उसकी फसल खराब हो जाती है। किसान तुरंत ही अपने घर आया और नाग देवता की पूजा का सामान और एक कटोरे में दूध लेकर खेत गया। किसान ने नाग देवता से क्षमा मांगी और पूजा की। उनके लिए एक कटोरा दूध रोज रखने का संकल्प लिया। उस शाम खेत में एक कटोरा दूध रख दिया। किसान जब सुबह कटोरा लेने गया तो उसने देखा कि कटोरे के नीचे सोने का एक सिक्का रखा हुआ है। किसान सिक्का पाकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद किसान रोज शाम को दूध रखता और सुबह उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता। कुछ दिन बाद किसान को कहीं बाहर जाना था। उसने अपने बेटे से कहा कि आज शाम को तुम नाग देवता के लिए दूध रखाना, सुबह कटोरा और सिक्का ले आना। बेटे ने कहा, ठीक है, आज मैं चले जाऊंगा। शाम को बेटा दूध रखाया। सुबह जब वो कटोरा लेने गया तो उसने सोचा कि सांप बहुत कंजूस है, उसके पास बहुत सारे सिक्के हैं, लेकिन वो रोज एक ही देता है, क्यों ना मैं सांप को मार दूं, उसके बिल के सारे सिक्के निकाल लूं। ऐसा सोचकर उसने एक डंडे से सांप को मारने की कोशिश की, लेकिन सांप बच गया। सांप ने खुद की रक्षा के लिए किसान के बेटे को ही डस लिया और वो उसी समय मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी स्थिति में लालच नहीं करना चाहिए। किसान का बेटा लोभ की वजह से मारा गया। लालच किसी भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर सकता है। जो लोग लालच करते हैं उन्हें जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं मिलती। इस बुराई से सभी को बचना चाहिए। एक समय की बात है, देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे जिनके कोई भी बच्चा नहीं था। एक समय उनके घर के सामने रहने वाली एक नकुली ने एक नेवले को जन्म दिया। देव शर्मा की पत्नी बहुत दयालु स्वभाव की महिला थी। उन्होंने उस छोटे से नेवले को अपने घर में रख लिया और अपने बच्चे की तरह उसे लाड प्यार करने लगी। कुछ समय बाद देव शर्मा के घर में एक बेटा पैदा हुआ। वो नेवला हमेशा उनके बेटे के साथ खेलता था। दोनों में बहुत प्यार था। देव शर्मा की पत्नी भी दोनों की एक समान बहुत प्रेम से देखभाल करती थी। वो दोनों भाइयों की तरह रहते थे। समय के साथ वो नेवला और देव शर्मा का बेटा दोनों बड़े होने लगे। नेवले को बड़ा होता देख देव शर्मा को चिंता हुई। वो अपनी पत्नी से बोले, भाग्यवान, कभी कभी मुझे बहुत चिंता होती है। इस नेवले को हमने चाहे कितना भी प्रेम दिया हो, अपने बेटे की तरह पाला पोसा हो, लेकिन आखिरकार ये है तो एक जानवर ही। कहीं यह नेवला हमारे बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसी बात से मैं थोड़ा चिंतित रहता हूँ। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। इसे बचपन से हमने अपने बच्चे के साथ पाला है, ये इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या पता, जानवर ही तो है, कब क्या करे कोई नहीं कह सकता। मैं तो बस अपने बेटे को लेके थोड़ा चिंतित हूँ। नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा सुनिए, घर में पानी खत्म हो गया है, मैं जाकर कुएं से पानी भर लाती हूँ। तब तक आप घर में ही रहिएगा और इन दोनों का ध्यान भी रखिएगा। फिर ब्राह्मणी घड़ा उठाती है और कुएं की ओर पानी लेने चली जाती है। ब्राह्मणी को पानी लाने में थोड़ा समय लग जाता है। उधर देव शर्मा को मंदिर जल्दी जाना था और वो ब्राह्मणी के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। अरे पता नहीं है कितनी देर लगाएगी, अब तक पानी भर कर भी नहीं आई। मुझे मंदिर भी जाना है, वहाँ सब मेरी राह देख रहे होंगे, अब कब तक उसका इंतजार करूं? मैं तो मंदिर के लिए निकल जाता हूँ, वैसे भी वह आती ही होगी। अब देव शर्मा वहाँ से चले जाते हैं। उधर घर में नेवला ब्राह्मण के बच्चे के साथ खेल रहा था, तभी ब्राह्मण के घर में एक जहरीला नाग आ जाता है। उस नेवले की नजर उस नाग पर पड़ती है। नेवला सोचता है कि ये नाग बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए, और ऐसा सोचकर वो नेवला जल्दी से जाकर उस नाग से भिड़ जाता है। नेवला उस बच्चे को अपना भाई मानता था। उस बच्चे की रक्षा के लिए नेवला उस नाग से भिड़ जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। उस नाग को मारने से नेवले के मुंह पर उसका खून लग जाता है। अब वो नेवला घर के दरवाजे पे बैठा ब्राह्मणी के आने का इंतजार करने लगता है।
वो सोचता है कि ब्राह्मणी बहुत खुश हो जाएगी। थोड़ी ही देर में ब्राह्मणी पानी लेकर वापस आती है और उसकी नजर नेवले पर पड़ती है। नेवले के मुंह पर सांप का खून लगा होता है, जिसे देखकर ब्राह्मणी डर जाती है। अरे ये क्या, जिस बात का डर था आखिर वही हो गया। इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला। हाय हाय मेरा बच्चा। ऐसा सोचकर ब्राह्मणी ने अपना पानी से भरा हुआ मटका नेवले के सर पर दे मारा, जिसकी चोट नेवला सहन नहीं कर पाया और वो तुरंत मर गया। फिर ब्राह्मणी घर के अंदर अपने बच्चे के पास जाती है तो देखती है उसका बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक अपने पालने में सो रहा है और उसके पास ही एक नाग मरा हुआ पड़ा है। ये देखकर ब्राह्मणी सब कुछ समझ जाती है और भागी भागी वापस बाहर नेवले के पास जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे क्षमा करो भगवान, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसने तो मेरे बच्चे की जान बचाई और मैंने इसे ही मार दिया, ये मैंने क्या कर दिया। अरे ये क्या अनर्थ हो गया। तुम रो मत, परेशान मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने ही तुम्हारे मन में संदेह पैदा किया था, जिस वजह से तुमने इस नेवले को बिना सोचे समझे नुकसान पहुंचा दिया। हमारे संदेह ने इसकी जान ले ली, लेकिन आइंदा से बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करेंगे। यह सीख हमने आज सीखी है। ऐसा कहकर देव शर्मा अपनी पत्नी को चुप कराते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे कोई काम करेंगे तो ब्राह्मणी के जैसे दुख का सामना करना पड़ सकता है। याहू,